मैं सर से सबसे पहले 2007 में मिला था किसी दोस्त के थ्रू, इतना वो नहीं था जानकारी कुछ। और 2010 में मैं बीसीए थर्ड ईयर में था, स्थिति यह थी कि बिल्कुल फेल होने की कंडीशन, गणित आती नहीं थी बिल्कुल भी और बैक चल रही थी मेरी गणित में, जो अपनी केटी चल रहा था कि अपना फेल होने वाला पूरे और बाहर जाएंगे कि बॉम्बे पुनः डिग्री तो अपनी होगी नहीं। सर से मिलना हुआ, सर ने थोड़ा सा मोटिवेट किया कि भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, थोड़ा सा गाइडेंस दिया। धीरे धीरे ये हुआ कि थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, फिर बैचेज में आने लगा। तो बैच में आया तो शुरू शुरू में तो हवा ही नहीं लगी, क्या चल रहा है, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन पता नहीं क्या चल रहा है। अब ये नहीं पता, जिसको ये नहीं आता कि 30/2 क्या होता है, तो उसमें इतना तो सीखने होता ही नहीं। फिर थोड़ा सा सर ने अलग से गाइड किया कैसे करो, थोड़ा ये करो थोड़ा ये करो। फिर उसमें ये हुआ कि पीसीए थर्ड ईयर तो पास हो गए, अब अपने को इतना ही चाहिए था, पास हो गए खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर सर ने कहा कि ऐसा करो, अगर सब बच्चे आपके बेच वाले कर रहे हैं एमसीए एंट्रेंस की तैयारी, आप भी करो। या एमसीए तो सर कहाँ से होगी, बीसीए नहीं हो रही अपने से, तो कहा चलो बेटर तो सही। तो क्रैश कोर्स था 1.5 महीने का समथिंग, तो उसमें आना शुरू किया 15 दिन, फिर आवा नहीं लगी। फिर धीरे 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 वो पूछते नहीं आ रहा है, फिर वापस पूछा ऐसे करके सीखने को सीखे। तो फिर उसमें क्या, महाराष्ट्र में कॉलेज मिल गया अच्छा, सर ने काउंसलिंग करवाई और लास्ट टाइम पे भी अपने को एक अच्छा कॉलेज मिल गया जहाँ से एमसीए की मैंने। लेकिन यह था थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया उस टाइम पे, पीसीए में कम परसेंटेज थे तो, लेकिन एमसीए में उससे ज्यादा बढ़ गए और प्रोजेक्ट में काफी अच्छे नंबर आए। तब जाके थोड़ा सा सीखा कि हाँ ये होता है, ऐसे ऐसे अपन कर सकते हैं। फिर एक कंपनी में प्लेसमेंट भी हुआ था, लेकिन मेरे को लगा कि आईटी में अपन कुछ और करें, तो मैं वापस यहाँ पर आया, सर के पास आया। फिर मैंने उस टाइम एसएससी के बैच चल रहे थे, तो एसएससी की भी तैयारी की। एसएससी में सीजीएल में मेरा हुआ लेकिन लास्ट में जाके रह गया, फिर सीपीओ में हो गया था लेकिन उसमें ज्वाइन नहीं किया फिर सीपीओ में। उसके बाद में दूसरे राजस्थान की तरफ फोकस, क्योंकि मेरे गाँव में रहता था तो थोड़ा घर का भी देखना पड़ता था, तो सर के पास यहाँ पढ़ता रहता था। फिर सर ने थोड़ा रोजगार को भी मौका दिया कि भाई यहाँ पे कभी प्रॉब्लम क्लास ले लो, तो गणित में इतना परफेक्ट कर दिया कि मैं एक तरह से एज असिस्टेंट भी काम कर लेता था कभी कभी, मतलब काफी सहयोग, मतलब जो गणित मेरे को नहीं आती थी उसी गणित की बदौलत। सबसे पहले तो ये राजस्थान में एलडीसी की जॉब मिल गई, एसएससी तो निकला ही था लेकिन इसमें एलडीसी में जॉब लगी। राजस्थान जीके वगैरह इतना नहीं आता था लेकिन इंग्लिश मैथमेटिक्स और रीजनिंग स्ट्रांग हो गए थे, उससे यहाँ पे एलडीसी की जॉब मिल गई, तो वो जॉब ज्वाइन कर ली। उसका प्रोफेशन पूरा हुआ, फिर उसमें इतना जॉब में टाइम मिलता नहीं था, जैसे स्कूल गए वापस आए और एजुकेशन डिपार्टमेंट लिया मैंने ताकि थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम मिल जाए। सर ने गाइड किया कि भाई आप कलेक्ट्रेट हो या बड़ा डिपार्टमेंट लोगे तो उसमें ये दिक्कत आएगी कि भाई आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा सर ठीक है, सर एजुकेशन ले लो तो आपको जैसे स्कूल टाइम के बाद फ्री हो जाओगे तो पढ़ सकते हो। हाँ सर, तो फिर मैं यहाँ मुलाकात नहीं हो पाई मेरे को, अब यहाँ करीब मैं 3 साल बाद आया वापस सर के पास। और अब मैंने क्या, घर पर बैठ के सर से पढ़ता रहा, कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेज लेता रहा, कभी डाउट हो तो पूछ लेते थे। और अब मेरा सीनियर में सिलेक्शन हो गया और मेरा 117 नंबर आए मेरे, और शायद मेरे मंडल में भी फर्स्ट रैंक होगी मैं जहाँ तक आइडिया है मेरे को। तो ये सब सर की बदौलत है। जो बंदा मतलब पढ़ने में कभी इंटरेस्टेड नहीं था, कि जिसको पढ़ना ही नहीं है, वो गुरु ने कमाल कर दिया कि भाई आप पूरा गाइड किया। और मेरा पूरा बेस था, हमारे हम 10-15 जन है लगभग, जो सब इसी कैटेगरी के, हम लोग जो बैक बेंचर्स, जिनको वो पढ़ना लिखना कोई लेना कोई देना नहीं, बस घूमो फिरो मौज बस ये थी। लेकिन उनको एक सही डायरेक्शन दिया कि आप ऐसे करो, और धीरे धीरे एकदम सिस्टमेटिक, जैसे नहीं कोर्स करके एकदम सिस्टमेटिक धीरे 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 धीरे। अब काफ़ी सारे आईए बन गए उसमें से, जो पहले से पोस्टिंग हो रखी है उनका भी इसमें हो गया सिलेक्शन, कुछ का जैसे अकाउंटेंट में हो गया था, मेरा जैसे एलडीसी में हो गया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स उनका भी एलडीसी में हो गया था, अब इसमें सीनियर में कंप्यूटर मैनेजरशिप में हो गया है और उनका भी हो गया 7 वालों का भी। तो काफ़ी कुछ सर ने मतलब शुरू से मेरे परिवार की तरह रखा, और यहाँ पर किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं लगता है कि मैं कोचिंग में हूँ, यहाँ लगता है कि एक फैमिली है। वो लोग सर से अपन क्लास के बाद में सब तरह से डिस्कशन कर सकते हैं, सब तरह का सोल्यूशन मिल जाता है कि भाई आपको ये दिक्कत है चलो इसका सोल्यूशन ये होता है, ये दिक्कत है इसका सोल्यूशन, एकदम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम सिंपल, वो नहीं कि आप जंबलिंग हो रहे हो कुछ वैसा कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी गोइंग। और मेरे तो मतलब एक तरह से गुरु जी यही है सबसे बड़े जिनका आशीर्वाद है और सहयोग है, भरपूर सहयोग मतलब कि बस ये करो ऐसा करो ऐसा करो। और अभी भी मेरे को आते ही इन्होंने कहा कि नहीं सीनियर में मत रुको, अभी प्रोग्रामर के लिए करो और आगे बढ़ो करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, रुको नहीं बस। और सबसे पहले मेरे को बहुत आलस बहुत आता था, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी मेरे साथ, उठा नहीं जाता था मेरे से, बस पढ़ने का तो था ही नहीं अपना। फिर गुरु जी से मिला जब पता चला कि ये सुबह 6 बजे कोचिंग आ जाता है, 6 बजे मतलब तो 6 बजे डॉट, और रात को 10 बज रही है तो भी उसी एनर्जी के साथ पढ़ा रहे, तब हमको लगा थोड़ा सा कि सर अगर खड़े रह के पूरा दिन अगर ये पढ़ा सकते हैं ऐसे, ऑफलाइन बैचेज में मैंने देखा नोटिस किया था, ऑनलाइन में भी पढ़ाते तो अपने को तो बैठ के पढ़ना है, ये काम तो अपन इजीली कर सकते हैं। तो उस वो एनर्जी हमने थोड़ी सी उस ओरा में रहना शुरू किया, कॉन्टेक्ट पर रहे, तब पता चला कि अपन भी ये कर सकते। फिर धीरे 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 वो जो 15 मिनट नहीं पढ़ सकते थे वो टाइम पीरियड 7-8 घंटे तक भी ले गए, उससे भी ज्यादा बढ़ाया धीरे धीरे।
तो ये सब सर का आशीर्वाद है। क्या पूछ रहे हैं, रिवीजन कितनी बार किया? रिवीजन तो देखो ऐसा था कि जैसे जॉब थी तो मेरा करीब जर्नी है मेरा 30 मिनट की रास्ता मेरा था, तो मैं क्या सर का जैसे वीडियो होता था उसको 2x पे लगा के सुन लेता था और उसमें से ध्यान रखता था कि भाई कहाँ पर क्या पॉइंट सर ने इम्पोर्टेंट बोला, क्या चीज समझने की, उसको क्या हुआ वापस घर पे आके रिवीजन करता था उसको कि अच्छा इस चीज को मैं ऐसे कर दूं, इसको वापस नोट कर, मैं उतना ही नोट करता था क्योंकि इन्होंने जो एमसी एंट्रेंस में हमको जो कंप्यूटर पढ़ाया था वो इतना डीप को इतना गहराई से पढ़ा दिया था कि इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मतलब अभी हमको बुक्स टटोले, बुक्स तो मैं लाया ही नहीं कोई तरह से, बुक्स थी नहीं, सिर्फ एक रजिस्टर बनाया था उसमें सर की जो वीडियो के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो नोट डाउन करता था बस, वो इनफ है, उसके बाद कुछ भी नहीं आया मतलब। और सबके तीन तीन चार चार जॉब लग चुकी है। दूसरी बात और है, इन्हीं के बीच में से एक लड़की थी जिसके आईए 2018 में फर्स्ट रैंक आई थी, क्या नाम है उसका, अलीफा, अलीफा से 2018 में फर्स्ट रैंक आई थी, वो इन्हीं के ग्रुप में से थी। तो बच्चों आप करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, और वाकई मैं आपको बता रहा हूँ इनकी मैथ इतनी कमजोर थी कि सिर पक जाता था, और आज मैथ रीजनिंग SSC क्लियर कर चुके हैं, CPO क्लियर कर चुके हैं, LDC क्लियर कर चुके हैं, IA क्लियर कर चुके हैं, इसके बाद कंप्यूटर टीचर क्लियर कर चुके हैं और सीनियर कंप्यूटर टीचर क्लियर कर चुके हैं। तो इस कोचिंग में आने के बाद एक जॉब नहीं लगती है, लगती रहती है, फिर उसकी एक जॉब में आपको दिक्कत आएगी, शुरू की जॉब, शुरू की जॉब में इनको भी हो सकता है एक दो साल लग गए, एक दो साल लगे थे ना, लेकिन बच्चों के जुड़ गए तो कंटिन्यू प्रोग्रेस चलती जा रही है। आप प्रोग्रामर भी निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। और कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए। इनके साथ वाले जितने भी थे, कोई पाली से थे, कोई प्रतापगढ़ से थे, कोई चित्तौड़गढ़ से थे, कोई सीकर से थे, कोई झुंझुनू से थे, तो ये लोग ढूंढते हुए आते थे, अंबिका क्लासेस को ढूंढते हुए आते थे कुछ। और मैं आपको और बता देता हूँ, इनके साथ वालों बहुत सारों ने ऑल इंडिया टॉप भी किया था, कई लोगों की फर्स्ट रैंक आई थी, ऑल इंडिया लेवल पे फर्स्ट रैंक आई थी एमसी एंट्रेंस, और बहुत सारे लोग NIT में भी गए थे। पेपर वन में GK किया था क्या? देखो इनकी जो पेपर फर्स्ट में मैं तो रीजनिंग में ही हो गया था, इनका था 50 क्वेश्चन तो वहीं से आ गए थे, मैं तो रीजनिंग। अब अभी भी मैं कह रहा हूँ कि करंट GK पे फोकस करो, पूरी GK कोई काम की है ही नहीं, करंट GK को अच्छी तरीके से देख लो, राजस्थान GK को अच्छी तरीके से देख लो, IA में भी यही होने वाला है। आप रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करो, रीजनिंग और मैथ के ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इनकी GK वीक है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ये पूरे ग्रुप की GK वीक है, और जिनकी GK अच्छी है उनका तो सिलेक्शन ही नहीं होते। बताइए कहाँ सिलेक्शन होते हैं? LDC में नहीं होते, IA में नहीं होते, सिलेक्शन उसका होगा जो वेटेज ज्यादा है उसकी तैयारी करेगा। रीजनिंग इतनी थी, 50% रीजनिंग थे, उसी से नौकरी लग जाती, आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी GK, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तैयार करो, आपको वेटेज पूरा पता है उसके हिसाब से तैयारी कीजिए, और बेस्ट कोचिंग है पॉइंट टू पॉइंट चलने वाली कोचिंग, पॉइंट टू पॉइंट चलती है, फालतू कुछ है ही नहीं कि 15 फैकल्टी बदलेगी और 10 फैकल्टी बदलेगी। उन कोचिंगों से बच्चों जो जयपुर में, जयपुर का क्या रिजल्ट है, इनके दोस्त गए थे 15-20, वापस रिटर्न होके आ गए 15-20, एक का भी नहीं हुआ। ये भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि सर 20-25 बच्चे जयपुर भी गए थे हमारे गांव की तरफ आसपास के, रहे एक की भी नौकरी नहीं लगी, सब वहीं आ गए। तो बहुत बुरी हालत है वहां भीड़ में, और पता नहीं क्या है, क्या सिस्टम है, समझ से बाहर है, लोग क्यों जाते हैं पब्लिसिटी को देख के चले जाते हैं, पब्लिसिटी भी किसकी, केवल व्हाट्सएप और यूट्यूब और इंस्टाग्राम की पब्लिसिटी, उसको देख के बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ धन्यवाद। और कुछ पूछ रहा हूं तो बताइए। देखो जोधपुर से तो कोई सिलेक्शन नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, जयपुर में से 20,000 में से 20 का होता है, ये उनका रेशियो है। अंबिका का रिजल्ट एक बार आप देख लेना, वीडियो वायरल है, खूब चल रहा है, 1,000 में से 500 का सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन देखा करो आप, जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये आपको लगता होगा कि बंदा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता है, क्या ठीक है यार, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखो उसके हिसाब से पढ़ाई करो, 100% सिलेक्शन होगा, इससे अच्छी कोचिंग है ही नहीं, बहुत शानदार कोचिंग है। क्यों? क्योंकि 80% कोर्स अकेला मैं करवाता हूं।
80% कोर्स अकेला मैं करवाता हूँ, इसलिए शानदार। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।